अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। समान वेतन समान काम की मांग करते हुए मेरठ जिले के एम्बुलेंस चालक आज हड़ताल पर चले गए हैं। मेरठ में करीब 90 एम्बुलेंस मरीजों को सुविधा देने के कार्य में लगी हुई है। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के चलते मरीजों की जान संकट में पड़ गई है। चालक संगठन ने CMO को 3 एम्बुलेंस के नंबर बेहद आपातकाल के लिए दिए हैं। इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की सुविधा के स्थान पर 3 एम्बुलेंस ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। इस बारे में एम्बुलेंस चालकों का नेतृत्व कर रहे राजेश ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। दरअसल क्या है, यहाँ कंपनी GVK चलाती थी। GVK ने जो है GVK कंपनी ने दूसरी इनकी साठ गांठ से दूसरी कंपनी के नाम से ठेका लिया या ठेका नहीं लिया, जिस माध्यम से भी काम करा, JHL कोई कंपनी है उसको ठेका दे दिया। लगभग 1200 लड़कों की नौकरी है पूरी UP के अंदर, जो तलवार लटकी हुई है उनकी गर्दन पे, और वो 20,000 रुपए ले रही है पर कर्मचारी से और नई भर्ती कर रही है। जबकि जो पुराने कोरोना योद्धा थे, जो लड़के पुराने थे, उनको नहीं ले रही है, उनसे 20,000 रुपए ले रही है, जो बिल्कुल गलत है। और हम लोगों के साथ भी कंपनी जो है केस का प्रेशर करती है, शोषण करती है कि केस नहीं करोगे तो तुम्हारी ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारी लोकेशन चेंज कर देंगे। हर चीज में पैसे लेती है, छुट्टी में पैसे लेती है, लड़के घर रहते हैं उनसे पैसे लेती है। कोई काम हो, गाड़ी का कोई मेंटेनेंस कभी समय पे नहीं होता। मेरी गाड़ी खुद की खराब है, 4 दिन से खड़ी हुई है, उसकी जगह बैकअप चल रही है। उधर CMO अखिलेश मोहन प्रसाद ने फर्स्ट बाइट से चालकों की हड़ताल के बारे में यह कहा। एम्बुलेंस 102 और 108 जो नंबर है उसके आज सुबह मेरे पास 10:30 बजे एक चिट्ठी आई है कि साहब हड़ताल पे रहेंगे और 3 एम्बुलेंसेस का नंबर, नाम, मोबाइल नंबर हमारे को उन्होंने दिया है जिससे कि गंभीर स्थिति के अंदर उनको इस्तेमाल किया जा सके। मैंने बुलाया है यहाँ के उनका जो कोऑर्डिनेटर है, अभी आएगा मेरे पास, पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और किसी भी तरह से गंभीर मरीजों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। सर, जैसा कि हमने अभी देखा वहाँ पे 70-80 एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं, हड़ताल पे हैं, इस कंडीशन में मरीजों को कितनी असुविधाएं का सामना करना पड़ेगा आपकी तरफ से? क्या हमारी तरफ से हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। अभी संज्ञान में अभी आया हमारे, इससे पहले मेरे पास किसी भी एम्बुलेंस की 10 बजे से पहले ना किसी एम्बुलेंस का चालक की या किसी मरीज की हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं थी जिसके उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, और हम विकल्प व्यवस्था करने विचार कर रहे हैं और किसी भी जने को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।